नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। दरअसल किसानों को डिजिटल फ्रेंडली बनाया जा रहा है। किसान सीधे सीधे कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और खेती के बारे में सभी प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर फायदा उठा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में अव्यवस्था की खामी के चलते काले गेहूं पर होने वाला ट्रायल खराब हो गया है। दरअसल काले गेहूं को तैयार करने के लिए पौधे लाए गए थे जो रख रखाव की खामी के चलते सूख गए। बता दें, ट्रायल के लिए अब जालंधर से और पौधे मंगाए गए हैं। किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर 33 लाख फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं, जो केंद्र सरकार की इस योजना का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे सभी लोगों के जो अन्नदाताओं के हक पर गलत दावेदारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है। राजस्थान सरकार ने 24 फरवरी को बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि अगले साल से राजस्थान सरकार का कृषि पर अलग से बजट पेश होगा। किसानों को विशेष रूप से बिजली प्रदान करने के लिए एक अलग कृषि बिजली वितरण कंपनी की भी घोषणा की गई है। साथ ही राजस्थान के किसानों को मुफ्त फसली ऋण योजना के तहत 16,000 करोड़ तक का ब्याज देने की भी घोषणा की गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बांस की खेती अपनाने के मामले में छोटे और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए FPO के गठन पर जोर दिया है। साथ ही राज्यों से बांस क्षेत्र के लिए FPO के गठन से जुड़े प्रस्ताव भेजने का अनुरोध भी किया है और कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बांस की फसल प्रमुख हो सकती है। कावेरी सीड्स दुनिया की पहली ऐसी बीज उत्पादन कंपनी बन गई है जो 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्रों में बीजों का उत्पादन कर रही है। बता दें, कावेरी सीड्स भारत के संकर बीज की सबसे बड़ी सूचीबद्ध उत्पादक कंपनी है। साथ ही कावेरी सीड्स के बीजों से किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। बेयर क्रॉप साइंस कंपनी ने देश के किसानों के लिए हेलो बेयर नाम से टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की सेवा शुरू की है, जिसके द्वारा देश के किसान बेयर विशेषज्ञों से सीधा बातचीत कर सकते हैं और खेती संबंधित जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1800-120-4049। आपको बता दें, इन हेल्पलाइन नंबर द्वारा किसानों को 13 क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। साथ ही ये सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में चना, मसूर और सरसों पर अब समर्थन मूल्य से अधिक दामों पर खरीदी होगी। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया है। कृषि जागरण का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि देश के किसान समृद्ध और सशक्त बने, और इसीलिए फार्मर द ब्रांड प्रोग्राम कल सुबह 11 बजे कृषि जागरण के फेसबुक पेज पर लाइव किया जाएगा, जिसमें 13 किसान शामिल होंगे और अपने ब्रांड से जुड़ी जानकारियां और खेती से संबंधित अपनी समस्याएं साथ ही अनुभव शेयर करेंगे। तो देखते हैं आज का एग्रीकल्चर स्टॉक मार्केट का हाल, जिनमें कृषि क्षेत्र की टॉपर्स कंपनीज रही धनसेरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हैरिसन्स मलयालम लिमिटेड, श्री गणेश बायोटेक इंडिया लिमिटेड। और लूजर्स कंपनीज रही बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जेके एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड, नाग बायो जेनेस लिमिटेड। तो वहीं आज की पेस्टिसाइड एंड एग्रोकेमिकल की टॉपर कंपनीज रही बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड, शारदा क्रॉप कैम लिमिटेड। और लूजर्स कंपनीज रही भारत रसायन लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। राजधानी दिल्ली में बीते 3 सप्ताह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। 26 फरवरी को दिल्ली में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। तो वहीं दिल्ली NCR में भी स्थिति उम्मीद से बेहतर रही, जहां अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।